जी अम्मी, हाँ हो गए हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, अब यहाँ से निकलकर थाने जाएंगे फिर घर आएंगे। अम्मी हमें पहले थाने ही जाना होगा, एक तो वैसे ही क्वारंटीन होने की वजह से हमने इतने दिनों से ड्यूटी मिस कर दी, सब लोग वहाँ पर अकेला सारा काम संभाल रहे हैं, और आप तो जानती हैं कि हमारे लिए जिंदगी में दो ही चीजें मायने रखती हैं, एक हमारा काम और आप, इसलिए काम खत्म करके थाने से सीधा घर आएंगे। ध्यान रखिए, खुदा हाफिज। राधे। जा रही है मैडम जी? हाँ जा रहे हैं फाइनली, बिल्कुल अच्छे से ठीक और स्वस्थ होकर ड्यूटी ज्वाइन करने। घबराओ मत, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पिछले कुछ दिनों में तुमने हमारी बहुत मदद की, हमारा ख्याल रखा, हमारी इतनी सेवा की, उसके लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये क्या करिए आप, हम तो यहाँ के वार्ड बॉय हैं। ड्यूटी है हमारी नहीं, लेकिन ऐसे माहौल में इतनी शिद्दत से और मेहनत से काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू। ये क्या मैडम जी, ये नहीं चाहिए हमें। हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये हमारा तरीका है शुक्रिया अदा करने का, प्लीज मना मत करो, ले लो। एक मिनट रुको रुको, तुमने इतनी हमारी मदद की, तुम्हारे साथ एक सेल्फी तो बनती है, आओ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, कहाँ आप और कहाँ हम, सेल्फी नहीं। नहीं नहीं देखो, तुमने हमारी बहुत मदद की है, हम ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ऐसे माहौल में भी कुछ लोग हैं जो अपना काम इतनी ईमानदारी और शिद्दत से कर रहे हैं। इनफैक्ट हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट से तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम्हें बोनस मिलना चाहिए। नहीं नहीं मैडम जी, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई बोनस नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको, अच्छा सेल्फी ना सही, एक नॉर्मल फोटो ले लेते हैं, हम तुम्हें याद रखना चाहते हैं। नहीं 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 मैडम जी, कोई फोटो वोटो नहीं, हम चलते ना, बहुत देर हो रही है, क्या है डॉक्टर साहब कभी भी आते होंगे। मैडम जी आपने बहुत अच्छी अच्छी आपने ख्याल रखेगा। राधे कोई प्रॉब्लम है, तुम किसी तकलीफ में हो, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए मैडम, आप सिर्फ अपना सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ सॉरी, हम थोड़े। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग, तुम कौन हो? क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर, आप अपने ही हॉस्पिटल के स्टाफ को नहीं पहचानते? मैं अपने हॉस्पिटल के स्टाफ में सभी को पर्सनली जानता हूँ, उनमें ये नहीं है, इनको मैं जानता नहीं हूँ, और ये इधर वार्ड बॉय की यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर, ये इतने दिनों से हमारी देखभाल कर रहा है, इसने हमें खुद बताया कि ये यहाँ का वार्ड बॉय है और इसका नाम है राधे। झूठ बोल रहा है ये आदमी, आज से पहले मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी! अरे पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। का बकैती है ये, हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है इसका, सर्विसिंग नहीं करवाया हो इसका? मैडम फंड नहीं है ना मेंटेनेंस के लिए। तुम बैठो, हम धक्का मारते हैं गाड़ी कुछ। बस 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 बस, दो मिनट मैडम, हो जाएगा हो जाएगा। करिश्मा सिंह है ना बे, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ की SHO? जी सर, शत प्रतिशत वही है। गाड़ी ठीक से चला नहीं पाती, ये पुलिस थाना क्या चलाती होगी। नमस्ते करिश्मा सिंह जी। नमस्कार। मायसेल्फ SHO बुलबुल पांडे, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। नाम तो सुना ही होगा। किसका? पुलिस स्टेशन का या फिर आपका?
सर मजाक उड़ा रही है? अबे मजाक कर रही है। अब किसका? आपका? अब कौन मदद चाहिए तो बोलिए। नहीं संकोच मत कीजिए, क्या है कि आपसे ना हो पाएगा, औरत है ना आप। लगता है आप बहुत जानते हैं औरतों के बारे में। हाँ मतलब इतना तो जरूर जानते हैं कि हर काम औरत के बस का नहीं है, कुछ मामलों में उसे मर्दों की जरूरत जरूर पड़ती है। जैसे इस वक्त आपको हमारा मदद का जरूरत है। अरे करने दीजिए हमको मदद। देखिए हमको आपका गाड़ी को धक्का मारने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मार देते हैं, टेंशन मत लीजिए। नहीं धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हमें आपका मदद का जरूरत नहीं है, हम ये खुद कर सकते हैं। संतु गाड़ी में बैठते हैं। मैडम हम बैठते हैं ना दोनों आराम से गाड़ी में, इन्हें धक्का मारने दीजिए। अरे करने दीजिए ना मदद, पुलिस पुलिस का मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखिए आपसे ना हो पाएगा, चल धक्का लगा चल। किसने काम से नहीं हो पाएगा? बहुत अच्छा लगा आपके ये नेक विचार सुन के कि आपके अंदर मदद करने का जज्बा है दरोगा जी। अब पुलिस वाले हैं हम, हमारा तो काम ही है एक दूसरे की मदद करना, पर मदद वहां कीजिए ना जहां जरूरत है। क्या हमको जरूरत नहीं है आपके मदद की? और एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन शायद आप नहीं जानते, और वो ये है कि औरत ना बहुत कुछ कर सकती है। क्यों संतू? जी मैडम। चलो जमाना बदल गया है, अब औरतें बहुत आगे निकल रही हैं। हम आगे निकले? चलिए। देखने लायक मुंह था ऐसे छुपा, मजा आ गया मैडम। अब हमारी कस्टडी में, भाई साहब बताएंगे काहे भागे फिर रहे हैं आप, क्या हो गया आपको? एक तो तुम वार्ड बॉय नहीं हो, ऊपर से वार्ड बॉय बने फिर रहे हो हॉस्पिटल में, क्या है ये? नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। ये बोल ही कहां पा रहा है? मैडम मैडम बाहर आजी ना, मैडम आ गई। मैडम सर आए। ए तू 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 किधर, तू अंदर रह, बाहर आने की कोशिश मत कर। ये मैडम सर क्या हुआ? एक मिनट, ये सब क्या है? आई मैडम सर, मैडम सर एक मिनट मैडम सर।
मैडम सर। वेलकम बैक। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया इतने प्यारे और धमाकेदार वेलकम के लिए। थैंक यू मैडम सर, एक ना ऐसे पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि तजुर्बा कहता है हमारा ये वाला डायलॉग अगर हो जाए ना मैडम सर, तो हम लोग को ऐसा लग जाएगा कि आप आ गई हैं। बहुत मिस किए मैडम सर। प्लीज मैडम सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा कहता है हमारा कि बहुत लोगों को जिंदगी से मोहब्बत होती है, लेकिन हमारी तो जिंदगी ही आप सबकी मोहब्बत से है। बहुत मिस किया आप सबको। ये थाना हमारा घर है और आप सब हमारा परिवार। बहुत दिनों तक हम दूर वैसे भी नहीं रह पाते। सच में आप सबको बहुत मिस किया। मैडम जी, हमने आपको बहुत मिस किया और हमारी अदरक वाली चाय ने भी बहुत मिस किया। वो तुम्हारा घटिया अदरक वाला चाय जो अभी तक घटिया ही है। बिल्कुल सही, लेकिन मैडम हम और हमारी बिरयानी ने सच्ची में बहुत मिस किया। अपने बालों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिरयानी ने मिस किया बहुत। वैसे ये सब आपका प्लान था ना? नहीं नहीं मैडम सर, ये हम सबका प्लान था, हमारे अकेले का नहीं। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम सब मिलकर। अरे नहीं मैडम सर, ये तो करिश्मा मैडम का ही प्लान था। यही चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें कि आपका दिल खुश हो जाए और हम सब अपनी फीलिंग आपके लिए एक्सप्रेस कर पाए। मना किए थे ना तुमको, फिर पेट दुखता ना मैडम। मैडम सर सच में बहुत अकेले पड़ गए थे आपके बिना। आप अचानक से ऐसे छोड़कर चली गई, हम घबरा गए थे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे आपके बिना। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे आज के बाद। आपको लगता है कि हमारी लाइन ऑफ ड्यूटी में हम इस तरह का प्रॉमिस कर सकते हैं? चलिए फिर भी आपके लिए हम वादा करते हैं कि इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जहां तक हमें पता चला है, आपने हमारी गैर मौजूदगी में इस थाने को बहुत अच्छे से संभाला है। सारे डिफिकल्ट केसेस बहुत समझदारी से हैंडल किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साबित कर दिया है कि हमारे ना होते हुए भी आप ये थाना अकेले बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इस थाने को हमारी जरूरत होना, आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। मैडम सर आपने इतना बोल दिया, हमारे लिए काफी है। हम हमेशा आपका भरोसा और उम्मीद पर खरा उतरेंगे। ओहो, एकदम राम भरत मिलाप का अनुभव हो रहा है हमें। वाह वाह वाह, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा सही हो रहा है, सही हो रहा है। मैडम सर हम बता रहे हैं कि करिश्मा मैडम आपके पीछे बोल रहे थे कि नहीं नहीं, इस कुर्सी पर हम कदापि नहीं बैठेंगे, ये कुर्सी हसीना मैडम की है, हम नहीं बैठेंगे। वैसे ही जैसे प्रभु रामचंद्र के पीछे भरत ने उस सिंहासन पर बैठने के लिए मना किया था, बल्कि उस सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र के खड़ाव रखकर अपना राज्य संभाला था, बस उसी तरह एकदम सेम टू सेम। कमाल है करिश्मा सिंह, दिल जीत लिया आपने। मैडम सर चलिए, आपका कुर्सी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। चलिए चलिए। मैडम तुम राधे, तुम यहाँ जेल में क्या कर रहे हो? मैडम सर आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये राधे किशन है। हम जिस हॉस्पिटल में क्वारंटीन थे, ये वहां पर वार्ड बॉय था। नहीं नहीं मैडम सर, ये कोई वार्ड बॉय नहीं है, ये धोखेबाज इंसान है। वार्ड बॉय बन के अस्पताल में घूम रहा था, इसलिए हमने इनको लॉकअप में डाला है। अभी एक दो लगाएंगे ना खींच के तो सब उगल देगा। नहीं करिश्मा सिंह, अच्छे बुरे इंसान का फर्क हम समझते हैं, ये बुरा इंसान नहीं है। हमने इसे हॉस्पिटल में बहुत शिद्दत से, मेहनत से और पूरे लगन से लोगों की सेवा करते हुए देखा है। ऐसा इंसान गलत नहीं हो सकता। और आपने बिना सोचे समझे, बिना इससे पूछे, इसे अपनी बात कहने का मौका दिए, सीधे जेल में बंद कर दिया। गलत किया आपने करिश्मा सिंह। चीते निकालो इसे। मैं कौवा कबूतर। चीता शांत रहो। देखो इसे बोलते वक्त अटकने की प्रॉब्लम है, और जब ये स्ट्रेस में होता है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, इसलिए शांत रहो और हमें बात करने दो। देखो राधे, कोई कुछ भी कहे, हमें तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छे से पहले शांत हो जा, फिर बताओ कि सच क्या है। मैम अगर मैं चलते चलते बोलूंगा तो कम अटकूंगा, और अगर मैं अटक गया तो आप लोग अटक जाओगे। प्लीज Whew.
देखिए मैडम, मैं एक क्लार्क हूँ, बेबी फूड प्रोडक्ट कंपनी में काम करता था। सब लोग मेरे काम से बहुत खुश थे। प्रॉब्लम वहां शुरू हुई मैडम, जहां मेरी बीवी पीने लगी। प्रेग्नेंट हुई। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि यहाँ पे मैं और मेरी बीवी अकेले रहते हैं, तो ऐसे वक्त में मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूं। हाँ, तो मैंने कंपनी में बाय रिटर्न एप्लीकेशन दे दी, लेकिन वही हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुई। मेरा बॉस कहने लगा कि ये तो औरतों का काम है, तुम वहां अपनी बीवी के साथ रहकर क्या क्या करोगे। देखिए, मैं चाहता था तो मैं पेटर्निटी लीव ले सकता था, और जिसकी वजह से मुझे कोई कंपनी से निकाल नहीं सकता। हस्तक्षेप के लिए भाई हम ना थोड़ा क्षमा चाहेंगे हस्तक्षेप के लिए, लेकिन लेकिन पेटर्निटी और मैटरनिटी लीव का होता है? नहीं, इसे उड़ते उड़ते तो हम बहुत सुने हैं मैटरनिटी लीव, लेकिन इसका मतलब क्या होता है अगर हमको? हाँ, मी टू। देखिए, इसको भी नहीं पता है। हम समझाते हैं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के 2 महीने पहले से वो 26 हफ्तों की छुट्टी ले सकती है, पेड लीव, ताकि वो डिलीवरी के बाद वो अपना और अपने बच्चे का ठीक तरीके से ख्याल रख सके। इसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। ठीक उसी तरह बच्चे के पैदा होने के बाद उस औरत के पति को भी छुट्टी मिलती है, ताकि वो अपने बीवी और बच्चे का ध्यान रख सके, और इस छुट्टी को कहते हैं पैटर्निटी लीव। हाँ, समझ गए। सर, मैडम सर, हमको गलत मत समझिएगा, लेकिन एक सवाल ऐसे मन में आ रहा था कि अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो पति को छुट्टी लेने का क्या जरूरत है? नहीं, प्रेग्नेंट तो बीवी है ना, पति तो काम कर ही सकता है। करेक्ट। हाँ, तुम्हारी तरह अमूमन लोगों को यही लगता है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट है तो फिर मर्द को छुट्टी देने का क्या फायदा, वो घर पे बैठ कर क्या करेगा। अफसोस कि ये बात बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि यही एक समय है जब एक पत्नी को अपने पति के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ख्याल तो कोई भी रख सकता है, लेकिन एक तरह का इमोशनल सपोर्ट, सुरक्षा जो एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। प्राइवेट कंपनीज में, खास तौर पर राधे जिस कंपनी के लिए काम करता है, उसमें राधे को 15 दिन तक की पैटर्निटी लीव, ऑफिशियली पेड लीव मिल सकती है। तो मैडम सर, इनकी नौकरी कैसे जा सकती है? वाह, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्या बात है संतु जी, हम सेम सवाल पूछने वाले थे। मी टू। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझे डांटने फटकारने लगे और मेरे बॉस मेरे अगेंस्ट हो गए। घर और ऑफिस में पूरा दिन काम की वजह से झगने की वजह से एक दिन ऑफिस में मुझसे झपकी लग गई, और उसी एक दिन के लिए मुझसे क्लेरिकल मिस्टेक हो गई मैडम, तो उसका मुद्दा बनाकर मुझे नौकरी से निकाल दी। बिना काम के, बिना पैसे के मैं करता भी क्या, एक होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी थी ना मुझ पर। नहीं मतलब, मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मिली नहीं ना मेरे ऐसे इसकी वजह से। हाँ, मेरा जो दोस्त था वो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है, तो वो कोविड वार्ड में जितने भी कर्मचारी है तो उनको वहाँ पे नौकरी के लिए वो कहता था कि जो भी वार्ड में काम करेगा उसे वो पेशेंट और उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको टिप्स देंगे। काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है उन सबको ना एक मास्क और वो ग्लव्स देते हैं, और वही मास्क और ग्लव्स मैं पहनता था ताकि वो मेरी आइडेंटिटी छुपी रहे। लेकिन क्या करे मैडम, आइडेंटिटी छुपी नहीं और पकड़ा गया। मैं जानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं एक पिता हूँ और हर पिता अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपने पहले पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हाँ, नहीं की थी मैंने, कंप्लेंट की वो गोमती नगर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी जाके की, लेकिन वहां का जो SHO है उसने मेरी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया, कहता था कि इसमें तुम्हारी गलती है। क्या नाम क्या है उस SHO का? बुलबुल पांडे। बुलबुल पांडे, पता ही था हमको कितना बड़ा मददगार है, उसके चेहरे पे लिखा था। तुम चिंता मत करो राधे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें तुम्हारी नौकरी भी वापस मिलेगी और सैलरी भी मिल जाएगी, और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ।
तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? मानव। रॉन्ग, एकदम रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। उसके इल्जाम पे मैं चौकड़ी मार सकता हूँ। उसे नौकरी से मैंने नहीं निकाला है, उसकी खुद की करतूत ने निकाला है। खीरा खाएंगे? शुक्रिया। आप खाएंगे खीरा? नहीं, हम खीरा नहीं खाते। क्यों? खीरा खाना चाहिए, खाना चाहिए। आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला? देखिए, छोटी मोटी बातें चल जाती हैं, लेकिन हर ऑफिस में कुछ कर्मचारी कामचोर होते ही हैं। आप क्या होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। मैं तो दावे से कह सकता हूँ बिल्कुल होंगे। लेकिन इन भाई साहब ने जो है हद ही पार कर दी। इन्होंने क्या किया, हमारे एक पुराने क्लाइंट की फाइल के पेपर को हवाई जहाज बना के पूरे ऑफिस में उड़ा। ऐसा ही होता है? आप ही बताइए, आप खीरा खाई ना? अरे, आपको खीरा खाते नहीं। हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर मानव। आपने धोखे से राधे को नौकरी से निकाल दिया, और यहाँ तक कि उसे उसकी सैलरी भी नहीं दे रहे, जो कि उसका हक है। और ये बात हम साबित कर सकते हैं। अगर हमने आपके केस की ऑफिशियल फाइल बनाई तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपकी नौकरी तो हाथ से जाएगी ही, साथ साथ आपकी कंपनी की इमेज पर हर्फ आएगा, वो अलग। समझदार आदमी लगते हैं, सोच लीजिए। हाँ, बात कर लीजिए। आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए, फिर जैसे वो कहेंगे वैसे कर लेंगे। हाँ? एक मिनट। कौन सीनियर? बुलबुल पांडे, SHO गोमती नगर थाना। जानते तो होंगे आप। किसने कहा आपको कि वो हमारे सीनियर है? हाँ, नहीं। अरे, तो फिर आपको यहाँ भेजा किसने? हम खुद आए हैं, हमको कौन भेजेगा? करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी ने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं यहाँ इस केस से मुतालिक आपको बात करने। क्या, कौन सी गाली? इस केस के बारे में आपसे बात करने। अरे, ऐसे कैसे आ गए? हमें बुलबुल पांडे ने बोला था कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप ऐसे मूठा कैसे आ गए? आप खीरा खाइए और जाइए। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। देखिए मिस्टर मानव, हम नहीं जानते कि किसने आपसे क्या कहा है, लेकिन हमारे पास आपके और आपके कंपनी के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट है। अगर आपने राधे को उसकी नौकरी वापस नहीं दी, अगर आपने उसे उसकी सैलरी नहीं दी, तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या लगता है, आपकी धमकी में डर जाऊंगा? अब एक काम कीजिए, आप टमाटर खाइए और निकलिए। नहीं खाना हमें टमाटर खीरा, नहीं अच्छा लगता हमें टमाटर खीरा, नहीं समझ में आता टमाटर खीरा, नफरत है टमाटर खीरा से। एक बार और टमाटर खीरा बोलो तो टमाटर और खीरा की तरह छील के रख देंगे तुमको। 24 घंटे तुम्हारे पास मिस्टर मानव, डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी नौकरी हमेशा के लिए गंवाना चाहते हैं या राधे को उसकी नौकरी वापस देना चाहते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।